इंडस्ट्री के लिए साल 2020 कितना मनहूस रहा ये सब जानते हैं, लेकिन साल 2021 की शुरुआत में करीना कपूर खान की डिलीवरी को लेकर इंतजार, अनुष्का के बेटी की डिलीवरी, ये सब खुशियां लेकर आई। अफसोस, बॉलीवुड की इन अभिनेत्रियों के लिए मुश्किल घड़ी भी आई। करीना कपूर खान ने अपने अंकल को खो दिया। अपने राजीव कपूर अंकल को खोने पर करीना कितनी स्ट्रेस थी ये सब जानते हैं। अब उसी राजीव कपूर के गुजरने की वजह से, अपने पुराने को स्टार को खोने की वजह से, उनकी सबसे करीबी रही, उनकी प्रेमिका रह चुकी, उनके साथ रिश्ते में रह चुकी, ऑन स्क्रीन उनके साथ ज़बरदस्त रोमांटिक फिल्म दे चुकी राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी को लेकर एक और खबर आई। मंदाकिनी ने राजीव कपूर को विदा किया था। जिस तरह से मंदाकिनी ने राजीव कपूर को विदा किया, ये सब जानते हैं कि मंदाकिनी के लिए राजीव कपूर कितने ज़्यादा करीबी थे। लेकिन राजीव कपूर के साथ ही फिल्म कर जिस मंदाकिनी ने रातों रात पॉपुलैरिटी बटोरी, इस मंदाकिनी के लिए इस फिल्म के बाद लाइमलाइट से दूर होना आसान नहीं था। इस फिल्म के बाद ना तो बॉलीवुड में राजीव चल पाए और ना ही मंदाकिनी का करियर आगे ज़्यादा सालों तक चला। तिब्बत में राजीव कपूर की प्रेमिका मंदाकिनी ने तिब्बत के एक शख्स के साथ शादी कर वहीं घर बसा लिया। अब जब अपने पुराने प्रेमी को गुजर जाने के बाद उनकी अंतिम विदाई पर शामिल नहीं हो सकी मंदाकिनी, तो कितना याद उन्हें कर रही हैं। दोबारा से ये पोस्ट शेयर कर मंदाकिनी ने अपनी स्थिति बताई है, इशारे इशारे में पुरानी यादें शेयर की हैं। और फैंस ने भी यही कहा कि वाकई में जिस तरह से मंदाकिनी को बॉलीवुड में खास लाइमलाइट मिलने के बावजूद भी ज़्यादा फिल्में नहीं मिली, काफ़ी तकलीफ दे है ये। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।